इकतीस नंबर से शुरू होते हैं साइंस के सवाल, और साइंस के सवालों में आप देखिए पहला नंबर 31 नंबर जो है वो क्या कहता है, द केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट्स ऑन द प्लांट्स आर, वो केमिकल जो डिस्ट्रॉय करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स को प्लांट्स के ऊपर वो क्या कहलाते हैं, तो इंसेक्टिसाइड भी कहलाते हैं, वो पेस्टिसाइड भी कहलाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, जहाँ पे ए और बी दोनों का ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 32, द हाईएस्ट टाइड्स अकर एट द टाइम ऑफ, किस टाइम पे हाईएस्ट टाइड यानी कि बृहत ज्वार आता है हिंदी में अगर हम बात करें तो आंसर इसका होगा फुल मून। अब अगर हम बात करेंगे ये आते क्यों, तो इट इज बिकॉज ऑफ मून पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 33, ओजोन लेयर इज ए पार्ट ऑफ, ओजोन लेयर पार्ट है किसका, पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है। स्ट्रेटोस्फेयर तकरीबन जमीन से 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में, सॉरी रेंज तो इसकी ज़्यादा होती है, बट जो ओजोन लेयर होती है वो तकरीबन 15 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है, जबकि तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है, मतलब बहुत थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है ओजोन लेयर का जो कि ट्रोपोस्फेयर होता है, बाकी ज़्यादातर पार्ट उसका स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर आपका यहाँ पे सही आंसर है। देखिए एटमॉस्फेयर के जितने ही पार्ट्स होते हैं उसमें कई बार टेम्परेचर के ऊपर भी सवाल आ जाता है, तो हम आपको बता दें जो पहली लेयर होती है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसमें टेम्परेचर हाइट के साथ साथ जैसे हम ऊंची ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे घटता है। अगर हम इसके ऊपर की लेयर की बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये टेम्परेचर बढ़ता है। इसके बाद बात आती है मेसोस्फेयर की, तो मेसोस्फेयर में भी ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर अगेन फिर से गिरता है, और ऐसे ही थर्मोस्फेयर की अगर हम बात करें तो ऊंचाई के साथ ये बढ़ता है, तो पहले गिरता है फिर बढ़ता है फिर गिरता है फिर बढ़ता है, ऐसे करके आप चार स्टेप याद कर सकते हो। किसी भी लेयर में पूछा जा सकता है टेम्परेचर का ये बढ़ना घटना, और आप आसानी से आंसर कर सकते हो। फिलहाल इसका आंसर बी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर सवाल क्या कहता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से प्लांट फूड तैयार करते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो कच्चा माल लगता है, वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके अलावा सनलाइट इसमें रोल प्ले करती है, और इसके अलावा क्लोरोफिल का इसमें रोल होता है। तो चार चीज़ें चाहिए होती हैं, तीन दी हैं, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। लेकिन क्लोरोफिल आपको मतलब दिमाग में रखना होगा, इसीलिए आपको ये बताया है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। वाटर चाहिए होता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 जिसे कहते हैं वो भी चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होती है, और एक और चीज़ जो यहाँ नहीं दी है वो होती है आपका पिगमेंट, या जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लियर, तो चार चीज़ें चाहिए होती हैं, तीन यहाँ दी, ऑप्शन डी फिट है बिलहाल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 35, हिंज ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन, हिंड ज्वाइंट मतलब हिंड नाम की संधि कहाँ पे होती है हमारी बॉडी के अंदर। जो दिए गए ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में हमारा नी फिट ऑप्शन है, नी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आप नोट कर सकते हैं, कुछ और ज्वाइंट्स के बारे में आपको बता देते हैं। एक पाइवट नाम की एक होता है ज्वाइंट होता है हमारा, संधि होती है बॉडी के अंदर जो कि हमारी गर्दन के अंदर होती है। ठीक है, हिंज के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देख सकते हो, नी तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा एल्बो हमारी कोनी जो होती है उसमें भी इसी तरह की होती है, या आप कब्जा कैसे कह सकते हो, जैसे कब्जे से हम दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं एक साइड की तरफ, दूसरी साइड दरवाज़ा नहीं खुलता है, वैसे ही ये संधि होती है, ये जॉइंट होता है। फिंगर में यही होता है, एक तरफ फिंगर खुलती है, आप अपोजिट डायरेक्शन में फिंगर्स को नहीं मोड़ सकते, ऐसे ही टोज में होता है, एंकल में होता है हमारे, ये सब के सब हिंदी के एग्जाम्पल हैं। अब हम एक और संधि की बात करते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो ये कहाँ का होता है, बॉल और सॉकेट में आप समझ लीजिए, जैसे कि सॉकेट में कोई चीज़ फंसी हो, शोल्डर हम मूवमेंट कर सकते हैं शोल्डर में, लेकिन वो अलग तरह का मूवमेंट होता है, हिप्स में भी यही मूवमेंट होता है, इसके अलावा रिस्ट में भी यही मूवमेंट होता है तकरीबन। ठीक है, हालांकि रिस्ट की संधि को हम कई बार कैंडिलॉइड जॉइंट भी कहते हैं। तो ये तीन चार तरह की संधियाँ थी, जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमको बता दिए, आप इन पर नोट्स बना लेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 36 देखिए क्या कहता है, मैटर एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ, मैटर पदार्थ किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, और गैस भी। जैसे वाटर एक मैटर है जो कि अपने तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो कभी लिक्विड होता है जिसे हम वाटर कहते हैं, कई बार वो सॉलिड होता है जिसे हम आइस कहते हैं, कई बार वो एयर बन जाता है जब उसको हम ज़्यादा हीट कर देते हैं। ठीक है, और वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक से दूसरे में हम जा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ अबव डी। अब अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 37 क्या कहता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, इस सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है,
यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। एक होता है सॉल्यूट जो घुलता है, जैसे सॉल्ट होता है, वाटर में सॉल्ट मिलाया तो वो क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। और सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, और जो चीज़ तैयार हो गई वो क्या है, सॉल्यूशन है। तीन चीज़ें, तीनों पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दी। ये ऑप्शन ए भी हमने टिक कर दिया ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल मशीन, इनमें से कौन सा सिंपल मशीन नहीं है। तो आप सेविंग मशीन को देखते हो, सेविंग मशीन में कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं उसको, एक कॉम्प्लेक्स मशीन कह सकते हैं, उसमें कई तरह के टेक्निक्स आपकी काम करती हैं मिलजुल करके, तब जा करके सिलाई हो पाती है। तो ये कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जांपल है, सिंपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर फिट बैठता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 पे। रेटिना इज ए पार्ट ऑफ, रेटिना किस चीज़ का पार्ट है। रेटिना हमारी आई का पार्ट है। रेटिना फंक्शन करता है एज ए फिल्म, जैसे कैमरे में हम फिल्म पे कोई चीज़ बना लेते हैं, वही कहने चाहिए पिक्चर जो बनती है वो रेटिना पे बनती है, इसलिए इसको फिल्म से कंपेयर करते हैं। कैमरे के अंदर हम फिल्म डालते हैं, वही फिल्म हमारे यहाँ रेटिना होती है हमें। इसके अलावा कई बार सवाल पूछा जाता है कॉर्निया पे। कॉर्निया एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी आई का, और ये काम करता है एज ए लेंस, कैमरे में लेंस और आई में हमारी कॉर्निया, और रेटिना के बदले कैमरे में क्या होता है, फिल्म। तो कई बार ऐसे करके भी सवाल पूछा जाता है। बहरहाल ये तीन चार पॉसिबिलिटी जो भी थी वो हमने सबके सवाल को बता दी। यहाँ पर आपका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 पे। सवाल नंबर 40 क्या कहता है, देर आर डैश 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 इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से। आई होती है हमारी जिससे हम कुछ देख सकते हैं, इसके अलावा ईयर होता है जिसको हम सुन सकते हैं, इसके अलावा नोज़ होती है, नोज़ जिसे कहते हैं उससे हम कुछ सूंघ सकते हैं, इसके अलावा चौथा होता है टंग जिससे हम जायका चखते हैं, ठंडा गर्म भी चखते हैं। इसके अलावा स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारा, जो कि हमें ठंडा गर्म के अलावा और कई सेंसेस का एक्सपीरियंस कराता है। सुई चुभ जाती है तो स्किन से हम आसानी से एहसास कर सकते हैं कि सुई चुभ रही है कहीं पे। तो ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि टोटल पांच होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे फिट बैठता है। अब देखिए 41 नंबर सवाल क्या कहता है, व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ, जब मून चंद्रमा चांद बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के, सूरज और अर्थ के बीच में, सूरज और ज़मीन के बीच में जब चांद आ जाता है तब क्या होता है। अब देखिए चांद बीच में आ गया तो ग्रहण किसको लगेगा, सूरज को, क्योंकि सूरज हमें दिखाई नहीं देगा पूरी तरह से, ठीक है, तो पार्शियली कम से कम ढक जाएगा, इसी को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स या सूरज ग्रहण, सूर्य ग्रहण हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। इसके जस्ट अपोजिट पोजिशन बनती है जबकि अर्थ आ जाती है चांद और सूरज के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, चांद ग्रहण कहते हैं या लूनर एक्लिप्स। तो बहुत से बच्चे आपसे में से इंग्लिश मीडियम के होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ उर्दू मीडियम के होंगे, तो आई थिंक आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, बस आप नोट्स बनाते रहिए। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल पे। 42 नंबर सवाल हमारा कहता है फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सेटेलाइट इज, पहली इंडियन आर्टिफिशियल सेटेलाइट। देखिए दो तरह की सेटेलाइट होती हैं, एक होती है आर्टिफिशियल, दूसरी होती है नेचुरल। तो अर्थ के पास एक नेचुरल सेटेलाइट है सिर्फ और सिर्फ, दैट इज मून। हमारा चांद जो है वो हमारी एक नेचुरल सेटेलाइट है, लेकिन हम बहुत सारी आर्टिफिशियल कृत्रिम सेटेलाइट छोड़ते रहते हैं टाइम टू टाइम। सबसे पहले हमने 1975 में छोड़ी थी एक सेटेलाइट जिसका नाम है आर्यभट्ट। फिलहाल आपका आंसर हो जाता है सी। पहले आप आंसर नोट करिए। अब देखिए अभी हमने बताया आपको 1975 में सबसे पहले हमने आर्यभट्ट नाम का एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट छोड़ा, उसके बाद हमने 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा, 1975 में हमने फिर से एक सेटेलाइट छोड़ा जो कि जून में छोड़ा था, 7 जून को, जिसका नाम था भास्कर। लेकिन भास्कर की यहाँ पे बात नहीं आ रही। अब बात आती है भास्कर के दो तीन महीने बाद अगस्त के शुरू में हमने फिर से एक सेटेलाइट छोड़ा 1979 में, जिसका नाम था रोहिणी। रोहिणी इसलिए हमारा पहला हो जाता है कि वो हमने पहले अपने लॉन्च व्हीकल से छोड़ा था, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV जो था वो हमारा इस टाइम पे अपना था। तो हालांकि पहला सेटेलाइट हमारा आर्यभट्ट है, लेकिन पहला ऐसा सेटेलाइट जिसे हमने अपने खुद के लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया वो था रोहिणी। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 43 क्या कहता है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी एक बीमारी होती है जिसमें घाव देर से भरते हैं। ऐसा तब होता है जबकि हमारे पास डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है किसकी, विटामिन सी की। तो फिलहाल आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, आप ऑप्शन नोट कर लीजिए। अब हम आपको एडिशनल चीज़ें बता देते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम भी कई बार पूछा जाता है इसलिए आपको बता रहे हैं। विटामिन सी के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनके बारे में कई बार सवाल आ जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। आंवला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स मतलब वो फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं थोड़े से खाने में, जैसे कि आपका संतरा, चकोतरा, ऑरेंज चकोतरा उसकी फैमिली जितनी भी, इसको हम सिट्रस फैमिली कहते हैं। तो ये सब के सब विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं।
इसके अलावा विटामिन सी वाटर में डिसॉल्व होने वाला विटामिन है। देर आर टू विटामिन, यहाँ पर सिर्फ दो विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। बार बार अगर हम सब्जियों को ज़्यादा धो लेते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी या बी है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब बह जाता है पानी के साथ, वो पानी में सॉल्यूबल है, विलयशील है, घुल जाता है। क्लियर? तो विटामिन सी पानी में घुलता है, एस्कॉर्बिक इसका एसिड इसका नाम है, और इसकी कमी से इसका भी रोग हो जाता है। ये तीन चार पॉइंट हैं जो कि आपको याद करनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 44। थायराइड डिजीज इज कॉज्ड बाय, थायराइड डिजीज एक हार्मोन की बदौलत होती है, उस हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन, सॉरी गलत पड़ गए, टाइफॉइड डिजीज के बारे में पूछा गया। टाइफॉइड डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो टाइफॉइड डिजीज जो होती है वो एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, और वो खासतौर पर पानी की बदौलत फैलती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाता है, पहले आप ऑप्शन नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज़ में कई और डिजीज होती हैं जो आप नोट कर सकते हो, उनमें एक होती है लेप्रोसी जिसे हम कहते हैं कोड़, इसके अलावा टीबी जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बड़ी डेडली डिजीज़ है, बड़ी तेज़ी से फैलती है। इसके अलावा और कई इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जैसे निमोनिया, बच्चों में निमोनिया नाम की बीमारी होती है, वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके अलावा कॉलरा बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है जिसको हम हैजा कहते हैं हिंदी में, वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ थी जो कि हमने आपके सामने रखी क्योंकि इन पर सवाल अक्सर आता है। वायरल डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। मेन जो वायरल डिजीज़ हैं उनमें आप कह सकते हो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और आपका एड्स और कई और डिजीज होती हैं जैसे डिप्थीरिया और कई तरह के फ्लू। जितने भी नाम के आगे फ्लू लगा हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो बर्ड फ्लू हो, जहाँ भी फ्लू लगाया समझ लीजिए वो सब के सब वायरल डिजीज़ हैं। और हाँ, एक चीज़ छूट गई हमसे, वो है प्लेग। प्लेग इज़ ऑल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ की कैटेगरी में प्लेग भी आप नोट कर लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, इन सब में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है दुनिया में। देखिए ये सवाल नंबर है हमारा 45 और इसका आंसर होगा सी, डायमंड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिस पर आप दुनिया में कहीं पे भी रहकर के एएमयू की या जामिया की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वन टाइम 500 के ही चार्ज देने होते हैं, किसी कोचिंग में जाने की आपको ज़रूरत कतई नहीं, ना अलीगढ़ दौड़ने की ज़रूरत है, ना दिल्ली दौड़ने की ज़रूरत है, और घर बैठे आपको बेस्ट मटेरियल और बेस्ट गाइडेंस मिल जाएगा। सवाल नंबर 46 शुरू करते हैं। चेंज ऑफ वाटर वेपर इंटू वाटर इज कॉल्ड, वाटर वेपर से हम क्या कर रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। हम सिर्फ ठंडा करके ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब ये होगा कंडेंसेशन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। कंडेंसेशन हमारी एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वाटर से वापस वेपर बना सकते हैं, यानी कि एयर बना सकते हैं, और एयर को वापस वाटर में ला सकते हैं या आइस बना सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी प्रोसेस जिसे हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, जिससे सब्सटेंस को, मटर को, हम एक दूसरे एक से फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो हमारी फिजिकल प्रोसेस कहलाती है। केमिकल प्रोसेस इसके जस्ट अपोजिट होती है, उसमें हम वापस नहीं जा सकते दूसरी फॉर्म में मैटर की, जैसे दूध का दही बनना। दूध से हम दही बना सकते हैं, लेकिन दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते क्योंकि वो एक केमिकल प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, द एनिमल विच कैन अलाइव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ आर नोन एज, वो एनिमल जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैसे जाने जाते हैं, तो वो एनिमल्स कहलाते हैं एम्फीबियंस। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, लेकिन स्पेलिंग सही नहीं लिखी, एम्फीबियस लिखा, एम्फीबियंस लिखा होना चाहिए था। ऑप्शन सी फिलहाल आपका सही है। अब देखिए बाकी एनिमल कैटेगरीज के बारे में आपको बता देते हैं। मैमल्स होते हैं वो जो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन मैमल्स ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। कुछ मैमल्स हैं गिने चुने जैसे कि वेल है, वो आपका पानी में रहता है। इसके अलावा चमगादड़ है जो कि उड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप नोट कर लीजिए, इनके ऊपर भी सवाल आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, एमयू में भी आ सकता है। इसके अलावा एक्वेटिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं, और रेप्टाइल एनिमल्स कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें एनिमल्स रैंक के चलते हैं। रेप्टाइल्स भी कई बार ज़मीन अर्थ दोनों पर रहते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। फिलहाल एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं जो ज़मीन और पानी में रह सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कहीं से कहीं तक। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैसेज में से एक है। इसके अलावा एक इससे भी ज़्यादा जिम्मेदार गैस होती है, वो होती है वाटर वेपर जिसे हम जल वाष्प कहते हैं हिंदी में।
तो फिलहाल आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। कुछ और ग्रीन हाउस गैसेज आप नोट कर सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। और ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, सबसे पहले आप रखिए वाटर वेपर को, नंबर दो पे आप रखिए कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि वाटर वेपर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। N2O या नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं हंसाने वाली गैस, ये भी खतरनाक है ग्रीन हाउस गैस के लिए, हाउस इफेक्ट के लिए ये भी जानी जाती है। इसके अलावा ओजोन, जिसे O3 कहते हैं, O3 इसका केमिकल फार्मूला है, वो भी पूछा जा सकता है। तो एक सवाल में हम कई कई सवाल आपको बता रहे हैं, हर एक आप नोट कर दीजिए। इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी फुल फॉर्म होती है SCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब के सब हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती हैं। अब देखिए सवाल नंबर 49 क्या कहता है, BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, किस चीज़ से बचाने के लिए, किस बीमारी से बचाने के लिए हमें BCG का वैक्सीन दिया जाता है, टीका दिया जाता है। तो ये होता है TB या ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी आपका फिलहाल यहाँ पे सही है। BCG कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप नोट कर सकते हो बेसिल कॉमेट CLMETT कॉमेट गुरिन, ठीक है। और इस वैक्सीन को हम इस्तेमाल करते हैं TB के खिलाफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं आपको पिछले सवाल है। अब चलते हैं सवाल नंबर 50 पे, ये रहा सवाल नंबर 50। बैकबोन इज मेड अप ऑफ, बैकबोन बना होता है 33 बोन्स का बना होता है बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं अपनी हिंदी या नॉर्मल लैंग्वेज में, इसको हम कई और नामों से जानते हैं, स्पाइन कहते हैं हम इसको, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हम इसको, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम भी हम इसको कहते हैं। तो कई नाम हो सकते हैं, किसी भी नाम से आपको सवाल पूछा जा सकता है। 51 नंबर सवाल देखिए, फिलहाल इसको आप आंसर तो कर दें, आंसर ए है इसका, हम टिक कर देते हैं, फिलहाल कोई सॉफ्टवेयर का इशू है तो ये चल नहीं रहा है, आप ए मान लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, 51 नंबर पे, इन मोस्ट प्लांट रिप्रोडक्शन अकर्स इनसाइड, मोस्ट प्लांट में रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्शन मतलब जनन, जन मतलब अगली पीढ़ी में जो उसका बीज वगैरह बनता है उससे मतलब है। तो बीज कैसे बनता है, बीज फर्टिलाइजेशन की बदौलत बनता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये होता है फ्लावर्स में, प्लांट की बात करें तो, अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो फिर ओवरीज, टेस्टिस वगैरह और बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे अंदर। फिलहाल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 52 नंबर सवाल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कहता है, फीमर बोन इज फाउंड इन, फीमर बोन जो है हमारी कहाँ पे होती है, तो ये होती है जांघ की हड्डी, तो आप कह सकते हो थाई, ऑप्शन डी फिलहाल आपका यहाँ पे करेक्ट है, और ये हमारी बॉडी की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो बिगेस्ट बोन कई बार बॉडी का पूछा जाता है, तो उसका आंसर भी फीमर होता है। इसके अलावा आपकी जो हाथ की हड्डी है चौड़ी वाली ऊपर वाली जिसे आप कहते हो, तो वो होती है आपकी ह्यूमरस, तो आप नोट कर सकते हैं कई बार उस पर भी सवाल आ जाता है, H4 ह्यूमरस, ऐसा करके आप याद कर सकते हो बड़ी आसानी से। अगले सवाल पर चलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 53 नंबर क्या कहता है, आंवला इज रोज सोर्स ऑफ, थोड़ी देर पहले ही हमने आपको इस सवाल का आंसर दिया था, विटामिन सी का सोर्स होते हैं आंवला, इसके अलावा विटामिन सी के और बहुत सारे सोर्स होते हैं, जिसका आंसर आप बताएंगे कितने सोर्स हमने बताए हैं विटामिन सी के, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल, 54 नंबर सवाल क्या कहता है, चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू, चिकन पॉक्स कैसे बोलती है, तो चिकन पॉक्स यानी कि चिकन पॉक्स जिसे हम खसरा कहते हैं, तो ये फैलेगी आपकी एयर की बदौलत, छुआछूत की बीमारी है ये, तो ऑप्शन डी बेस्ट है आपका यहाँ पे, स्नीजिंग या कफिंग से भी ये फैलती है, यानी कि खांसेंगे या छींकेंगे उससे भी इसके वायरसेस फैलते हैं, वायरस फैलता है इसका, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बेस्ट है, और इसीलिए हम इसको एयरबॉर्न डिजीज भी कहते हैं। तो ये सवाल ये भी आ सकता है कि एयरबॉर्न डिजीज इनमें से कौन सी है, आपको ये याद रखनी होगी कौन कौन सी एयरबॉर्न डिजीज है, इनमें TB भी एयरबॉर्न डिजीज है, वो भी छुआछूत से फैलती है, कोल्ड भी ऐसी ही बीमारी है जिसे हम लेप्रोसी कहते हैं, और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी बात हम अभी नहीं कर सकते हैं, टाइम इशू है। अगला सवाल देखिए, 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड है ये, इस पर थोड़ी मिस्टेक लिखी हुई है, मिस्टेक से लिखी गलत लिखी हुई है, तो इज टू स्टॉप द ब्लड फ्लो, ब्लड रोकने के लिए हम आइस पैक का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चोट लग जाती है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे फिट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, 56 नंबर, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, थोड़ी देर पहले हम उसका आंसर दे चुके हैं, अब आप वीडियो गौर से देखना और इसका आंसर आप हमें बताना, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, 57 नंबर सवाल क्या कहता है, इफ़ योर वेट इज 6 kg ऑन द मून, देन योर वेट ऑन द अर्थ विल बी,
अगर आपका मून पे वेट है 6 kg तो अर्थ पे आपका वेट कितना होगा। बड़ा आसान बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन ये तो ज़मीन पे जो हमारा वेट होता है वो तकरीबन 6 गुना ज़्यादा होता है चाँद पे हमारे वेट के, क्योंकि ज़मीन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जी वो 6 गुना ज़्यादा है चाँद के मुकाबले। तो जो वेट वहाँ पे 6 kg है वो 36 kg हो जाएगा ज़मीन पे। तो फिलहाल आपका आंसर होगा बी 36 kg। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 58 नंबर सवाल क्या कहता है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सन आर, सन पे कौन कौन सी चीज़ें किन से मिलकर बना है सन, ये पूछा गया है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे फिट है। अगला सवाल 59 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज कॉज्ड बाय शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के शेक होने से इनमें से कौन सी परेशानी होती है, तो वो होती है अर्थक्वेक। ये डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा हिंदी में शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक होता है, जिसमें कई बार हजारों नहीं लाखों लोग भी मर जाते हैं। हमारे यहाँ 2002 में एक भूकंप आया था जो कि गुजरात में कई हज़ार लोगों की मौत की वजह बना था, उस पर भी सवाल आता है AMU में। तो ऑप्शन बी फिलहाल आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अब आया है 60, मैटर इज मेड अप ऑफ 10 यूनिट्स कॉल्ड, मैटर किन बारीक यूनिट्स का बना होता है, 10 यूनिट्स बारीक यूनिट्स डैट इज कॉल्ड एटम। और डाल्टन ने कहा था कि एटम को हम विभाजित भी नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं डिवाइड नहीं कर सकते, उसको लिखा गया ऐसा नहीं हुआ, डिवाइड कर सकते थे हम। ऑप्शन ए आपका फिलहाल यहाँ पर सही है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, और कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आर पार लाइट को आने जाने देते हैं, अलाउ करते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपके लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मटेरियल भी हैं जो कि अपने आर पार लाइट को अलाउ नहीं करते, वो कहलाते हैं क्या, ओपेक। तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है ओपेक, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका फिलहाल यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 62 पे, सवाल नंबर 62 कहता है वैक्सीनेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप की थी और ये की थी 1796 में, सबसे पहली वैक्सीन जो थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए इन्होंने बनाई थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 63 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यानी कि बातचीत के लिए डिफरेंट साउंड का इस्तेमाल करता है, तो वो एनिमल होता है डॉल्फिन। डॉल्फिन ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, टाइगर विजन एट नाइट इज हाउ मच टाइम्स ग्रेटर देन अस, हमारे मुकाबले कितना ज़्यादा होता है, तो ये तकरीबन 6 गुना ज़्यादा होता है। क्यों? उसके अंदर कई ऐसे एडेप्टेशन अनुकूलन हैं जो कि उसको 6 गुना ज़्यादा देखने के लिए तैयार कर देते हैं। तो इनमें से एक एडेप्टेशन होता है कि उसकी उसका जो लेंस होता है वो आई के लेंस के मुकाबले काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसी वजह से टाइगर्स रात में बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं, तकरीबन 6 गुना बेहतर और दूर तक देख सकते हैं ह्यूमन बींग के मुकाबले। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अब देखिए 65 नंबर सवाल क्या कहता है, द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन आवर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम, डाइजेशन ऑफ बॉडी हमारी बॉडी में कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन ऑफ फूड ये शुरू हो जाता है माउथ से, क्योंकि शुगर जिसे हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं अगर वो हम खा लें तो तकरीबन उसका 30% डाइजेस्ट हो जाता है हमारे माउथ के अंदर की, जैसे ही सैलाब घुलता है वो तेज़ी से घुलता है, वहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये सही है। कई बार अंतिम पॉइंट पूछ जाता है लास्ट पॉइंट क्या है हमारे डाइजेशन का, तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके रखिए। अगला सवाल, सवाल नंबर है 66, ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम नंबर, तो वो मैथमेटिक्स का पोर्शन शुरू हो गया, यहीं तक हमारा साइंस का था जिसे हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको समझाया। होपफुली अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं किताब भी और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने समझाए, बहुत सारे एडिशनल सवाल आपको समझाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।